हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, में फिर से आ गया हूँ। और हिस्ट्री सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं दमदार सीरीज का एक बहुत ही बढ़िया दमदार पार्ट, यानी आज हम लोग हर्षवर्धन को देखेंगे। हर्षवर्धन का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ऐसे हरियाणा, यूपी, दिल्ली आदि के क्षेत्रों से मुझते हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 35 यानी हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 35 देखेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होने वाली हैं ये भी मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा। तो आज पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर्ष का जीवन चेंज कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारी सबसे अच्छी बात की डाइवर्स क्लास को ऑनलाइन टीचर और आप लोगों के लिए बढ़िया इस तरह की वीडियो बना। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसे कैसे करते हैं तो हर्ष के काल के श्रोत, देखिए हर्ष के काल के श्रोत क्या है, कैसे पता चला कि हर्ष का जीवन था, हर्ष भी थे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो मैंने आपको प्रीवियस हिस्ट्री वीडियो में पढ़ाई भी है, उनके सारे हम बता सकते हैं। अब जर्ज बाई जर्ज के मिलते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो बाण हर्ष के दरबारी कवि थे, जो बाण थे, बाण नाम के एक दरबारी कवि हुआ करते थे। और एवं हर्ष चरित कादम्बरी पार्वको परिणय, देखिए ध्यान रखिएगा इन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने हर्ष चरित कादम्बरी पार्वको परिणय ये रचनाकार थे, मतलब ये इन्होंने लिखे। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। चीनी तीर्थ यात्री, ध्यान दीजिएगा चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग सातवीं शताब्दी, ये बात अंडरलाइन लगा लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि जो चीनी तीर्थ यात्री हेनसांग था वो सातवीं शताब्दी में भारत आया था, है ना। आगे चलते हैं, बाण और हेनसांग ने हर्ष के युद्धों का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा बाण एवं हेनसांग ने, इन दोनों ने अपने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी काव्य लिखा है, उसके अंदर हर्ष द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। और इन दोनों ने हर्ष का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया है, मतलब इन दोनों लिखने में कोई कमी नहीं की। दूसरी चीज क्या की है कि जो युद्धों के अंदर जो पराक्रम का वर्णन है, हर्ष के बारे में जो उल्लेख करने की एक सीमा है, उसको कहीं ना कहीं अति विशिष्ट स्थान दे दिया है अपने अपने लेखन शैली के माध्यम से। आगे चलते हैं, रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका, ध्यान रखिएगा मैं फिर से बोलता हूँ, रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका जैसे हर्ष के नाटक उस समय की राजनैतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ध्यान रखिएगा हर्ष द्वारा रचित हमें कुछ नाटक भी मिले हैं, यानी उन्होंने नाटक शैली भी अपनाई थी और नाटक का वर्णन उन्होंने लिखकर भी किया है, मतलब कुछ नाटक है जैसे कि रत्नावली नागानंद तथा प्रियदर्शिका जैसे हर्ष के नाटक उस समय की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करते हैं, इस बात को समझेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको ले चलता हूँ, आगे बताता हूँ हर्ष की उत्पत्ति एवं प्रारंभिक जीवन, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे कि हर्ष की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और स्टार्टिंग किस तरीके से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा चार्ट भी बनाता जाऊँगा जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हर्ष का जीवन चला है। ठीक है, तो मैं बता दूँ, देखिए हर्ष प्रभाकर वर्धन, हर्ष प्रभाकर वर्धन जो हर्ष हैं ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं और ये पुष्यभूति के महत्वपूर्ण शासक, पुष्यभूति वंश था ना, तो पुष्यभूति वंश के महत्वपूर्ण शासक जिनकी राजधानी थानेश्वर थी, यानी जो इनके पिताजी थे प्रभाकर वर्धन उनकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर के दूसरे पुत्र थे, यानी पहला पुत्र कोई और था और ये दूसरे पुत्र हुआ करते थे। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, ध्यान दीजिएगा जो पुष्यभूति थे वो गुप्तों के सामंत थे। ठीक है ना, पुष्यभूति वंश है और जो पुष्यभूति जो सर्वप्रथम रहे होंगे वो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे। मैंने सामंत व्यवस्था बताई थी ना कि सेंटर में मेन शासक होता था और वो अपनी भूमि को बहुत सारे लोगों को दान कर दिया करता था और वो जो जिनको दान करता था वो लोग उसके ऊपर क्या करते थे, अपना शासन करते थे। लेकिन अगर कभी केंद्र का शासन कमजोर पड़ जाता था तो वो लोग अपने आप को क्या करते थे, स्वतंत्र घोषित कर दिया करते थे और अपने राज्य पर खुद नियंत्रण कर लिया करते थे। ये बात मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, प्रीवियस वीडियो में भी आकर आप इन चीजों को देख सकते हैं। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, ध्यान दीजिएगा ये गुप्तों के सामंत थे, मतलब पुष्यभूति जो है इनको गुप्तों ने अपनी जमीन दी थी कि जाओ आप राज्य करो। ठीक है, किंतु मूल आक्रमण के बाद, ध्यान दीजिएगा मूल आक्रमण हुए थे, बाहरी आक्रमणकारी थे ये, बाद उन्होंने
ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, मतलब जब वो आकर हुआ केंद्र की तरफ, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। हर्ष को अपने बड़े भाई राजवर्धन के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, हर्ष को अपने बड़े भाई राजवर्धन के स्थान पर उनके पिता तथा मंत्रियों ने चुना। ठीक है, अब क्यों चुना, इसके पीछे की एक विशिष्ट कहानी है जो भी आपको नीचे पता चलेगी यहाँ पर, है ना। परंतु हर्ष अपने भाई के स्थान पर आने में झिझक रहे थे, ध्यान दीजिएगा, परंतु हर्ष अपने भाई के स्थान पर आने में झिझक रहे थे। राजवर्धन जिसे राजा बनाया गया, शुरू में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो राजवर्धन बड़े थे, प्रभाकरवर्धन के बड़े पुत्र कौन थे, राजवर्धन थे। देखिए मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर ये जो प्रभाकर वर्धन है, मैं इनको बी लिख देता हूँ, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के तीन संतानें हुई हैं। ठीक है, तीन संतानों में जो राजवर्धन है वो सबसे बड़े, फिर हर्षवर्धन आते हैं, और फिर हर्षवर्धन के बाद आती है राष्ट्री, है ना, राष्ट्री आती है। ध्यान रखिएगा, एक की कन्या भी थी, एक पुत्री भी थी, तीन संतानें थी। तो राजवर्धन को जब गद्दी पर बैठाया गया, तो उसके बाद हर्षवर्धन का नंबर आता है यहाँ पर। लेकिन समझ नहीं हो सकता कि राजवर्धन के बाद हर्षवर्धन का नंबर आया तो क्यों आया, क्या कारण था, तो वो कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले सामना करना पड़ा कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मन। देखिए ये जो ग्रहवर्मन है, मैं इनको जी वी कर देता हूँ, ठीक है ना, ग्रहवर्मन, इनका विवाह राजश्री से हो जाता है। ध्यान से समझिएगा पूरी स्टोरी को, मैं आपको होता का हिंट दूंगा तो आपको। और उस समय गद्दी पर कौन बैठा है, राजवर्धन बैठा हुआ है। ग्रहवर्मन से राजश्री का विवाह हो जाता है। ठीक है, अब जब राजश्री से विवाह होगा तो आगे क्या हुआ, ये कहाँ के राजा है, कन्नौज के मोखरी राजा, राजा ग्रहवर्मन तथा राजश्री प्रभाकर की पुत्री। देखिए हमने कहा ना कि प्रभाकर वर्धन की यहाँ पे एक कन्या भी है, उनका नाम राजश्री है, के पति की देवगुप्त मालवा शासन। जो देवगुप्त है, यानी कि ये जो देवगुप्त है, इसने क्या किया, इनका हत्या कर दी, इनका वध कर दिया। देवगुप्त द्वारा क्या कर दी गई है, इनकी हत्या कर दी गई है, इनको मार दिया गया। अब देवगुप्त की हत्या कर दी गई तो राजश्री कहने के अनाथ हो गई, विधवा हो गई उस जगह पर, है ना। तो देखिए लिखा है कि पति की देवगुप्त मालवा शासक ने हत्या कर दी। उसने शशांक, बंगाल के गौर शासक, एक बंगाल का एक गौर शासक उस समय हुआ करता था जिसका नाम शशांक था, तो शशांक के साथ मिलकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज कहाँ है, कन्नौज आजकल यूपी का क्षेत्र है ना, तो कन्नौज पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। राजश्री को बंदी बना लिया राजवर्धन ने। देखिए सुनिए, अब जब ऐसा होगा यहाँ पर, तो राजवर्धन तो शांत बैठने वाला है नहीं, क्योंकि राजवर्धन गद्दी पे बैठा हुआ, और जैसे ही पता चला कि राजश्री के साथ ऐसा हुआ है, तो राजवर्धन ने देवगुप्त के ऊपर आक्रमण किया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, राजवर्धन ने देवगुप्त के विरुद्ध अभियान कर उसे मार डाला। अब देवगुप्त को तो मार दिया, लेकिन देवगुप्त के साथ एक और भी आदमी था, इसका नाम था शशांक, है ना। लेकिन अब शशांक क्या गेम खेलेगा, यहां देखिए, किंतु शशांक ने उसे धोखे से मार दिया। ध्यान रखिए, शशांक ने क्या किया है, राजवर्धन को धोखे से मार दिया। राजवर्धन को शशांक ने धोखे से मार दिया। इसी बीच अब देखिए, इधर से यहाँ पर जीजा जी का भी वध हुआ है, और इधर से यहाँ से भाई भी मारा गया, मतलब दो लोग यहाँ मार दिए गए, एक तो जीजा जी का वध कर दिया, और दूसरी चीज भाई का भी वध कर दिया, मतलब दो लोगों को मार दिया परिवार के। और जो यहाँ पर इनकी बहन है वो विधवा हो गई है, और वो मध्य भारत के जंगलों में उस समय भाग जाती है आगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसी बीच राजश्री मध्य भारत के जंगलों में भाग गई, मौका मिल गया, निकल गई। आगे देखो, थानेश्वर ने अपने भाई की गद्दी पर हर्षवर्धन बैठे, अब गद्दी पर बैठे, अब इस बंदी की सोच देखिए इस समय क्या होने वाली होगी, किस तरह का लेवल रहा होगा, आप जरा सोच के देखिए कि किस तरह की समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति होगा, और कितनी प्रॉब्लम होगी। कहते हैं बहुत छोटी सी एज में, 15-16 साल की एज में गद्दी पर बैठ गए थे। आगे देखिए क्या क्या, इसीलिए इनकी तरह पूरी हिचक भी, ये मैं कहना चाहूंगा, उनका पहला कार्य अपने भाई तथा जीजा के हथियारों को सजा देना।
ठीक है भाई, बात आ गई ना, मैंने आपको बताया शशांक ने क्या किया, राजभट्ट को मान दिया था लोके से। और इधर क्या है, इधर क्या है, राजश्री और देवगुप्त, देवगुप्त को मारने वाला कौन है, देववर्मन। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कहानी का कश्मकश सामने आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तथा अपनी बहन को बचाना था, वह इसमें सफल रहा। उसने शशांक को कन्नौज से बाहर कर दिया, मतलब कन्नौज पे शासक को शासन कर लिया था किसने, शशांक ने। शशांक पर आक्रमण किया किसने, शशांक पर आक्रमण किया किसने, हर्षवर्धन ने। क्यों किया है, अपने जीजा और अपनी बहन का जो अपमान हुआ, जो जीजा की मृत्यु हुई, प्लस अपने भाई का जो वध हुआ है ना, तो उसका बदला लेने के लिए। अब देखिए आगे 606 से 612 के बीच में उन्होंने उत्तर भारत का अधिकांश भाग, उत्तर भारत का अधिकांश भाग जिसमें पंजाब, कन्नौज, गौड़ का भाग, ओडिशा तथा मिथिला, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही मेन पॉइंट है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पंजाब, कन्नौज, गौड़ का भाग तथा ओडिशा तथा मिथिला को अपने अधीन कर दिया। और जब ये कर लिया, जब इन्होंने इतना पराक्रम अपना दिखाया कि इन्होंने शशांक को मार के भगा दिया, दूसरी चीज क्या है, पंजाब, कन्नौज, गौड़ का भाग तथा उड़ीसा तथा मिथिला को अपने अधीन कर लिया है ना, और अपनी बहन को भी सर सम्मानित अपने राज्य में वापस ले आए, तो इसके बाद उनको एक उपाधि मिल जाती है जिसका नाम है शिलादित्य। ध्यान रखिएगा इन कर्मों के उपरांत ही इनको एक विशेष उपाधि मिली जिसका नाम है शिलादित्य की पदवी को धारण किया है। तो ये था कहानी का पूर्ण सारांश, मतलब देखिए कितनी कसमकस है हर्ष के जीवन में। हर्ष बैठ रहे हैं, देखिए अच्छा खासा परिवार था प्रभाकर वर्धन का, मैं फिर से बता देता हूँ, प्रभाकर वर्धन का खेलता कूदता परिवार है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद उनके तीन पुत्र हैं, राजवर्धन, हर्षवर्धन, तीन पुत्र नहीं एक पुत्री भी है, दो पुत्र एक पुत्री है ना, पुत्री का नाम है राजश्री। राजश्री का जो विवाह हो जाता है यहाँ पर वो गृहवर्मन से होता है, राजश्री का जो विवाह होता है वो गृहवर्मन से होता है, ठीक है। और गृहवर्मन को मारने वाला कौन है यहाँ पर, गृहवर्मन को देखिए देवगुप्त जो मालवा शासक है, देवगुप्त, ये देवगुप्त क्या करता है, अटैक करता है गृहवर्मन पर, गृहवर्मन को मार देता है, राजश्री को क्या करता है, किडनैप कर लेता है या अपने राज्य का बंदी बना लेता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ घटनाक्रम दूसरी साइड में चलते हैं। इधर एक शशांक एक दूसरा शासक है जो कि इसका साथ दे रहा है, इसका देवगुप्त का शासन में साथ दे रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि राजवर्धन ने देवगुप्त को तो पराजित कर दिया, लेकिन जो शशांक है, शशांक कौन, जो देवगुप्त का साथी है, उसने क्या किया, चुप्पे से राजवर्धन को मार दिया। समझिए पूरी स्टोरी का ये घटनाक्रम है, अगर आपको घटनाक्रम समझ में आ जाएगा इस जनता का तो सारा गेम आप खेल जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो शशांक ने क्या किया, राजवर्धन को चुप्पे से मार दिया। अब इस समय समस्या ये है कि हर्षवर्धन को पहले में गद्दी पर बैठना पड़ा, और जब गद्दी पर बैठना पड़ा तो उनके सामने दो चैलेंज आए, एक तो जीजा की मौत का बदला यानी जीजा के वध करने वाले व्यक्ति से बदला, और दूसरी चीज है बड़े भाई को मारने वाले से भी बदला। तो यहाँ पर दो पॉइंट कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के सामने आते हैं गद्दी पर बैठने पर, है ना, यानी काफी चैलेंज था शुरुआत में ये माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन ने क्या किया, अपना पराक्रम दिखाया और इनको खदेड़ दिया। मैंने देखिए यहाँ लिखाया है, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी कहानी, मेरे हिसाब से मेरे द्वारा बताई गई कहानी आपके द्वारा बिल्कुल अच्छे से फीड हो गई होगी, मैं कोशिश यही करता हूँ। आगे चलते हैं, पंजाब, कन्नौज, गौड़ का भाग, उड़ीसा का मिथिला, ध्यान दीजिएगा ये पूरा अधिकार कर लिया शशांक को, क्या किया है, देखिए शशांक को कन्नौज से बाहर कर दिया है और अपने अधीन कर दिया, और उपाधि क्या मिल गई, शिलादित्य की उपाधि इनको दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हर्षवर्धन को किस उपाधि से नवाजा जाता है तो वो शिलादित्य की उपाधि। कारण क्या था, अपने जीजा, अपनी बहन के अपमान प्लस अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के कारण इतनी बड़ी उपाधि मिली है ना, ठीक है। तो इस तरीके से पता भी देखिए कुछ चीजें पता चल गई, इनके दुश्मन शशांक और देवगुप्त थे दोनों, है ना। तो इस तरीके से राज रहा है हर्षवर्धन का। और भी कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जो ऊपर मैंने रिपीट किया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ऊपर ध्यान रखिएगा रत्नावली नारायण की कभी भी थे नाटक, हर्ष क्या थे एक अच्छे नाटककार भी थे, तो उन्होंने ये नाटक भी लिखे थे। दूसरी चीज, सातवीं शताब्दी में हिंदुस्तान भारत आया था, इस बात को भी दिमाग में आपको रख लेना है। और आगे बताते हैं, बाण हर्ष के दरबारी को विवाह करते हुए हर्ष ने कादंबरी पार्वती को पढ़ने, ये
की रचना की थी, ठीक है। और चीनी तीर्थ यात्री है इंसान, ध्यान रखिएगा, बौद्धिस्ट जिसको मैं कहूंगा, चीनी तीर्थ यात्री है ये, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इतिहास का लेक्चर नंबर 35 कंप्लीट किया है, ध्यान से इसको फिर से देख लीजिएगा, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये इतिहास का लेक्चर नंबर 35 आज कंप्लीट कर लिया है। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है फिर से बताता हूँ, 606 से 647 ईस्वी तक है। और अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम हर्ष के शैन अभियान को पढ़ेंगे कि हर्ष ने अपने राज्य शासन को किस तरह से विस्तारित किया है, किस तरह आगे की तरफ फैलाया है, ठीक है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, ठीक है। मेरे वीडियो का आप लोग इंतजार करते रहे, मैं इस तरह से बढ़िया वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।